अगर आप पिछले 2 महीनों से YouTube, Instagram रील्स और न्यूज चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना धमाका उठा पड़ा है यहाँ पे कि 3 साल में आप जर्मन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि सच है, बट आधा सच है। एज एन इंडियन हमारे लिए वो कुछ ज्यादा इतना मैटर नहीं करता, हमको फिर भी वही 5-6 साल में मिला करेगी। क्यों, इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा और 3 साल वाली आपको मैं एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में बताऊंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आप 3 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए। अब एक और मिथ है कि आपको PR लेनी पड़ेगी पहले जब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा में होता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई जर्मनी में, जर्मनी थोड़ा सा अलग है, आप बिना PR के भी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। वो भी मैं बताऊंगा कैसे, क्या क्या रिक्वायरमेंट अगर आपको PR अप्लाई करनी है, कौन सी PR आपको अप्लाई करनी है, 2 होती हैं अगर आपको नहीं पता, और पासपोर्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हो। 2024 से जो नए रूल्स आ रहे हैं हमसे, हमको उसका क्या फायदा होगा। तो मेरा नाम है दक्ष, मैं रहता हूँ जर्मनी में, जर्मनी के रिलेटेड मैं काफी वीडियोस डालता रहता हूँ पर काफी टाइम में। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि PR भी 2 टाइप की होती है, एक पैराग्राफ 9 के अंडर आती है और एक पैराग्राफ 9A के अंडर आती है। ये थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़े से डिफरेंस भी है, कंफ्यूजिंग भी है, इसको हम थोड़ी सी बाद में बात करेंगे, पहले फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम PR अप्लाई करते हैं, PR हमारे पास आ जाती है तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, 5 मोटे मोटे फायदे बताता हूँ आपको। पहला फायदा, आपका जो स्टे है वो सिक्योर हो जाएगा, आपको दोबारा दोबारा इमिग्रेशन ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, और वही हर 2-3 साल में एक स्ट्रेस और एक टेंशन आ जाती है दिमाग पे, यार फिर से ये करना पड़ेगा, तो वो खत्म हो जाता है सबसे पहले। दूसरा फायदा, आप अपने फैमिली मेंबर्स को काफी इजीली बुला सकते हो, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा। तीसरा फायदा, आपकी क्रेडिबिलिटी काफी बढ़ जाती है, अगर आपको होम लोन लेना, अगर आपको कोई घर किराए पे लेना है तो या आप यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाओगे। चौथा, अनरिस्ट्रिक्टेड वर्क परमिट्स, आप यहाँ पे आए थे ना, अब यहाँ पे आ जाओगे, आपके पास 2 चीजें अनलिमिटेड होगी, आपको घर काफी इजीली मिल जाएगा किराए पे, या फिर अगर आपको होम लोन भी लेना वो भी काफी बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। पांचवा, सिक्योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, क्या मतलब है इसका, चाइल्ड सपोर्ट, पेरेंट्स लीव, पेंशन और पता नहीं कितने फायदे होते हैं उसके अंडर। आपको अपना फायदा देखने के बाद थोड़ी सी रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। 9 ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहली, पिछले 5 सालों से आप जर्मनी में रह रहे हो। दूसरी, आपने 60 महीनों का पेंशन कंट्रीब्यूशन कर रखा है, 48 महीने का भी हो सकता है अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर IT में काम करते हो या फिर आप एक रिसर्चर हो। तीसरी, पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट। चौथी, इनकम कितनी होनी चाहिए, अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप IT में काम करते हो, डॉक्टर हो या फिर नर्स हो या फिर रिसर्चर हो, तो आपको सिर्फ 45,552 यूरो दिखानी पड़ेगी 1 साल की ग्रोस इनकम। अगर आप इन सब में नहीं काम करते, किसी और चीज में काम करते, किसी और चीज का आपके पास वर्क परमिट है, तो आपको 58,400 यूरो दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा है। पांचवी, एम्प्लॉयमेंट परमिट। सिक्स, आपको जर्मन आनी चाहिए, कम से कम B1 तो आनी चाहिए आपको, आपके पास B1 का सर्टिफिकेट आना चाहिए। सेवन्थ, इंटीग्रेशन कोर्स, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको अपने राइट्स के बारे में पता है, आपको यहाँ के सोशल कल्चर के बारे में पता है, वगैरह वगैरह वगैरह। इंटीग्रेशन कोर्स, एक टेस्ट आता है लेवन इन डॉयचलैंड करके, लाइफ इन जर्मनी करके, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। एट्थ, आपके पास सफिशियंट लिविंग स्पेस होना चाहिए, अगर आप अकेले रह रहे हो आपके पास कम से कम 12 मीटर स्क्वायर का घर होना चाहिए। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे आप वाइफ के साथ रह रहे हो तो 24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर आपके पास एक बच्चा भी है तो 10 मीटर स्क्वायर उसके ऐड कर लो, ये हो गया 34 मीटर स्क्वायर। कम से कम इतनी जगह तो आपके पास होनी चाहिए, ज्यादा होगी तो उतना बेनिफिट है। लास्ट की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपके पास इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास, जो कि जर्मनी में होते ही है, तो रिक्वायरमेंट ये तो ऐसे भी होते ही हमारे पास, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कराना ही पड़ता है। अगर कोई ये ब्लू कार्ड वाला भी वीडियो देख रहा है ना, तो उसके लिए भी है, आप ब्लू कार्ड आपके पास तो आपको यहाँ पे कम से कम 33 महीने रहना पड़ेगा, 33 मंथ्स पौने 3 साल, और आपको थोड़ी बहुत डॉयच आनी चाहिए तो आप भी PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये टाइम कम करना है, आप 21 महीनों में भी कर सकते हो, पौने 2 साल में भी कर सकते हो, कैसे, डॉयच कर लो B2 C1 तक, तो वो रिक्वायरमेंट चेक कर लें, जहाँ भी आप अप्लाई करोगे जिस भी सिटी में, तो थोड़ा डिफर करती है। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले हैं, तो आप 3 साल में कर सकते हो, अगर आप बढ़िया कर रहे हो अपने काम में, ठीक है, आपने सब कुछ पे कर रखा अपना पेंशन वाला भी, और आपके घर का खर्चा भी बढ़िया निकल रहा है और बढ़िया पैसे कमा रहे हो, तो 3 साल में आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। PR के फायदे और रिक्वायरमेंट समझने के बाद अब समझ लेते हैं कि हमको कौन सी PR के लिए अप्लाई करना है, पैराग्राफ 9 वाली या पैराग्राफ 9A वाली, किसमें फायदा हमको, नीदर लासुम एरलोपनिस या फिर उनबेफ्रिस्टेते ओफंत हाथ, दोनों नाम अलग अलग है पर दोनों ही PR है, परमानेंट रेजिडेंस परमिट है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। अगर आपके पास 9 वाली नीदर लासुम वाली PR है आपके पास, और जैसे कि मेरे पास PR एग्जांपल लेते हैं, मैं इंडिया जा रहा हूँ, इंडिया मैंने अगर मैं 6 महीने रहा हूँ और 6 महीने
एक दिन या 6 महीने 2 दिन हो गया तो मेरी वो पीआर कैंसिल हो जाएगी, जबकि जो ये वाली है 9A वाली, इसमें मैं 12 महीने तक किसी दूसरी कंट्री में रह सकता हूँ। 9 वाली में अगर मैं यूरोप के अंडर रह रहा हूँ, जैसे कि 9 में मेरे को 12 महीने में वापस आना पड़ेगा मेरी कंट्री में जहाँ पे मैंने पीआर ले रखी है, यूरोप में मैं रह सकता हूँ 12 महीने। जो ये वाली है इसमें मैं 6 साल तक रह सकता हूँ। रिक्वायरमेंट दोनों में ही सेम है, दोनों में ही आपको रिक्वायरमेंट वही रहती है जो मैंने अभी बताई है, नो रिक्वायरमेंट्स। अब आ गया हम इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कि 3 साल में सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, क्यों चल रहा है ये सब कुछ। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में हम पहले बात करेंगे कि क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए कि जिससे कि आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि 3 साल, 5 साल, 6 साल या 8 साल कौन सा हमारे लिए सही रहेगा। सबसे पहला पासपोर्ट, दूसरे नंबर पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट, तीसरा आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट और पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप्स, चौथा आपकी डिग्रीज या फिर सर्टिफिकेट्स, पांचवा आपके घर का लीज कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपने खरीद रखा है वो वाला कॉन्ट्रैक्ट, छठा कम से कम B1 का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डॉयचे एब्सोल्यूस है, आपके पास जर्मन डिग्री या फिर जर्मन सर्टिफिकेट है तो आपको फिर ये चीज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जर्मन में पढ़ रखे हो तो। सातवां आपका इंटीग्रेशन टेस्ट का रिजल्ट, और आठवां थोड़े से पैसे लगेंगे, 255 यूरो अगर आप बच्चे का भी अप्लाई कर रहे हो तो, 51 यूरो वो वाले। इन रिक्वायरमेंट के साथ एक और रिक्वायरमेंट आ जाती है जो कि हमारी पीआर में भी थी, 60 महीनों का पेंशन कंट्रीब्यूशन या फिर 48 महीनों का पेंशन कंट्रीब्यूशन। अगर आप Day 1 से काम करो, इंडिया से वर्क परमिट लेके आए थे तो 4 साल तो ये हो गए आपके, प्लस लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी आपको कम से कम B1, प्लस आपके इंटीग्रेशन कोर्स, वही आपके 5 साल हो जाते हैं। और 5 साल आपका कम से कम जर्मनी में स्टे होना चाहिए तब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे आप 5 साल में कम से कम अप्लाई कर सकते हो। अब कोई स्टूडेंट है जो स्टडी वीजा पे आया था, 3-4 साल की अपनी डिग्री कर रहा है या 2 साल की मास्टर्स की डिग्री करी है, उसको क्या होता है कि उसको 18 महीने का जॉब सीकर वीजा मिल जाता है। उन 18 महीनों में उसने मानो कि जॉब ढूंढ लिया, फिर उसको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। अब इस 2 साल का वर्क परमिट प्लस आपका 3-4 साल का हाउस बिल्डिंग या फिर आपकी जर्मन डिग्री आप दिखा करके सिटीजनशिप के लिए या फिर पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन हो गया, इसमें भी हमारे 6-7 साल लग जाते हैं, 3 से 4 साल हमारी डिग्री के, 6 महीने 1 साल लगा लो जॉब ढूंढने का और फिर 2 साल का काम, तो वही बन जाते हैं। आप 5-6 साल में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। 8 साल, 7 साल वाला भी हो गया, 6 साल वाला भी हो गया, 5 साल वाला भी हो गया। अब रह जाता 3 साल वाला कि 3 साल वाला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको शादी करानी पड़ती है। आपने शादी करा ली, पहले दिन आकर के इसको पूरा फास्ट ट्रैक पे डालते हैं। आपको कम से कम 2 साल आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा और आफ्टर 3 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए। ऐसे आप 3 साल में आप अप्लाई कर सकते हो, इसीलिए ये हर एक पे अप्लाई नहीं होता। या फिर आप कोई सोशल सर्विसेज कर रहे हो 3 साल में, काफी बढ़िया वाली सोशल सर्विसेज कर रहे हो, वॉलंटियर का कुछ काम कर रहे हो जर्मनी में, तब आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि हमारे एज एन इंडियन वाले एग्जाम्पल में बैठता नहीं है, क्योंकि या तो हम पढ़ते हैं या फिर हम काम करते हैं, वर्क परमिट पे आते हैं या फिर स्टूडेंट वीजा पे आते हैं। तो इसीलिए ये 95-96% मैं कह रहा था कि हमारे लिए नहीं है, हमको वही 5 से 6 साल में हमको सिटीजनशिप मिलेगी। सिटीजनशिप लेने के लिए आपको कोई पीआर लेने की जरूरत भी नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये था इस वीडियो के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन है कुछ भी ब्लू कार्ड के रिलेटेड, पीआर के रिलेटेड या फिर सिटीजनशिप के रिलेटेड, कमेंट करो, जरूर रिप्लाई करूंगा। ये वीडियो भेजो अगर आपको कोई भी रिलेटिव जर्मनी में रहता है या फिर वो प्लान कर रहा है या आपका फ्रेंड है कोई, वीडियो जरूर शेयर करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय।